नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा से उनके दफ्तर में पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली। सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की टीम बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करने के लिए उनके दफ्तर पहुंची थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दर्ज कराने के बाद कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सच सामने आएगा। We've answered everything and we are here to cooperate and answer any agency, anything, whatever they ask. But you have been questioned for more than 9 hours. Is there anything which you would like to show? Is notices and whatever they have questions about, we answer that. It's not a problem. पेशे से कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा अपने खिलाफ लगे आरोपों और कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। वहीं कांग्रेस ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इस पर वाड्रा ने कहा कि किसानों का मुद्दा चल रहा है, प्रियंका गांधी लगातार किसानों का समर्थन कर रही है, ये पूछताछ किसानों के मुद्दे से भटकाने के लिए की गई है। You know, if Priyanka is going to move out looking for helping the farmers and all the issues of the government, who else are they going to come to? They are going to come to Robert Wadra. देखिए, मैं राजनीतिक चीजों में नहीं पढ़ूंगा, पर ये definitely है कि देखिए farmers के issues हैं और उनको चाहिए कि अगर उनको कोई और मुद्दा मिल सकता है जिससे वो digress कर सकते हैं जो real issues हैं। और ठीक है, मैं हूँ, हमेशा मैंने झेला है जो भी उनके इश्यूज हैं, पर मैं तो हमेशा यहाँ हूँ और मैं आंसर करूंगा, चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए, मैं आंसर करने के लिए रेडी। बता दें कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण कानून के प्रावधानों के तहत वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। ये मामला लंदन में संपत्ति खरीदने में धन की हेराफेरी से जुड़ा है। इससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने भारत से बाहर संपत्ति खरीदने के सिलसिले में वाड्रा का बयान दर्ज किया था। अपने बयान में वाड्रा ने लंदन में संपत्तियों की ऑनरशिप से इनकार किया था। उन्होंने भारत के बाहर संपत्ति होने की बात से भी इनकार किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।